साथ से। मास्टर जैकब, आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों वीडियो थोड़ी सी टॉपिक से हटकर किस्म किस्म है कि इंडिया में आर्मी वाई इंडिया नेवर विटनेस्ड मिलिट्री कोप, क्योंकि पाकिस्तान में 4 मार्शल आ चुके हैं, इंडिया में एक एमरजेंसी लगी है, मार्शल आ नहीं लगा। तो मेरे ख्याल में हाँ एक ही एमरजेंसी है, क्या ये दो है, एक एमरजेंसी है। तो ये इंडिया में मार्शल आ क्यों लगते हैं, पाकिस्तान में क्यों लगते हैं, इसका क्या रीजन है, ये वीडियो मुझे टाइटल बड़ा शानदार लगा था तो इसलिए ये मैंने पिक किया कि यार ये वीडियो देखते कि वाकई इंडिया में क्यों नहीं मिलिट्री कोप होता या इंडिया में मार्शल आ क्यों लग सकता या लगता है, लगा तो देखते हैं दोस्तों। पहले वीडियो फिर इसका बात करते हैं। इंडिया में कभी आप ये चीज सुने ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगा हो। एक बार नेहरू जी 1957 में एक बार जनरल थिमैया जी के ऑफिस जाते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं रही आर्मी की ऊपर से नीचे तक, जैसे पाकिस्तान में देखते हो। विल्किंसन जी कहते हैं कूप प्रूफिंग, कि हमने तख्ता पलट होने से एक प्रूफ कर दिया सिस्टम। हमारी ब्रिटेन की इंडियन आर्मी में भी कुछ अफसर और भी थे, जैसे कैप्टन हरबख्श सिंह। संविधान आंसर है ही है, बिल्कुल है, हर कोई आजकल कह रहा है हमारा संविधान बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। इस समय बांग्लादेश की न्यूज के बाद एक चर्चा आप इंटरनेट पे सुनोगे, साथ ही आपके नोट्स के लिए रेलेवेंट होने वाला है फॉर GS2 एसे और इंटरव्यू। अब क्या चर्चा है, चर्चा ये है कि सर ऐसी क्या घटनाएं हुई या क्या वजह रही कि हमारे जितने सारे बॉर्डर्स हैं, जितने सारे नेबर्स हैं, हर जगह कुछ ना कुछ मिलिट्री ने ऐसा रूल दिखाया है या तख्ता पलट किया है या सिंगल पार्टी शासन है, जो भी चीजें हैं। पाकिस्तान कुछ कहने की बात ही नहीं है, अफगानिस्तान और भी मत कहो, श्रीलंका, बांग्लादेश, इवन म्यांमार, चाइना, सिंगल पार्टी रूल, सिंगल मिलिट्री, सब कुछ। इंडिया में कभी आप ये चीज सुने ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे कभी मार्शल लॉ लगा हो या हमारे यहाँ कभी मिलिट्री ने अपना एक टेक ओवर किया हो, जिसे कहते हैं कूप डेटा। अब इसमें पी साइलेंट होता है, तो कू ये जो होता है, अब इसको हम बोलते हैं तख्ता पलट, फ्रेंच वर्ड है। क्यों नहीं हुआ कभी हमारे यहाँ, इसके ऊपर पूरे बात करेंगे, हिस्ट्री से लेके बात करेंगे, अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें बात करेंगे। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप चाहो तो QR कोड स्कैन करके या ये जो नाम लिखा हुआ है आप इसको सर्च करके टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद मी, यहाँ पे हम सारा डिस्कशन करते हैं, लाइव करते हैं, जो भी। नाउ क्या वजह रही है, सबसे पहली बात तो मिलिट्री कूप्स जहां जहां हुए हैं, तख्ता पलट जहां जहां पे भी हुआ है, वहां पे एक आप एरिया देखना, वो एरिया या तो छोटा होगा या वो एरिया ऐसा होगा जहां पे कल्चरल एक तरीके की पॉपुलेशन है, सिंगल तरीके का खान पान, सिंगल तरीके का धर्म, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज ऑलमोस्ट, ठीक है। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इंडिया में सब तरीके की डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है, जिसकी वजह से क्या है, हमने आर्मी में भी यही चीज देखी है कि कितनी तरीके की हमारे यहाँ पर रेजिमेंट होती है, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, असम राइफल्स, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, इसके अलावा हमारी जितने आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सब चीज अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक कोई सेंट्रल कमांड नहीं है या जिसे कहते हैं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नहीं है। अच्छा, खाली यही फीचर है, नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कभी हुई नहीं, इसके अलावा देखो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं कि साहब हिस्टोरिकली भी देखोगे तो हमारी जो आर्मी है उसने कभी ज्यादा पॉलिटिकल रोल कभी प्ले नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं क्या हुआ है। अब थोड़ा सा आप जरा हिस्ट्री में जाओ, जब हम आजाद हुए थे, आजाद होने से पहले तक तो जो हमारे यहाँ पे जो ब्रिटेन का जो रूल हुआ करता था उसमें सबसे ऊपर होते थे कौन, वाइसरॉय, ये तो पता है हमें, आदि सर की पहली क्लास है, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो वाइसरॉय के जस्ट नीचे जो पहला ऑफिसर जो रहेगा, डिफेंस मिनिस्टर कह लो उसको या वजीर कुछ भी कह लो, तो वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय तो उस समय राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है। अब वाइसरॉय के जस्ट नीचे जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है देश का या ब्रिटिश इंडिया का, वो कौन है, वो है आर्मी का कमांडर इन चीफ, जो डिफेंस मिनिस्टर का भी काम करता था। अब ये जो डिफेंस मिनिस्टर का जो आवास हुआ करता था वो होता था तीन मूर्ति भवन, ये आप बहुत ही फेमस हमारे यहाँ, ये तो हमारी धरोहर है अब तो तीन मूर्ति भवन जो दिल्ली में, जो बहुत जिसे कहते हैं एक ऐसी जगह है जहां पे पहले आर्मी का कमांडर इन चीफ ये जो यहाँ पे रहा करता था। आजाद होते ही सबसे पहली चीज जो हुई वो ये हुई कि सबसे पहले इस तीन मूर्ति भवन को दिया गया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और ये बोला गया कि अब से जो तीन मूर्ति भवन है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पीएम्स रेसिडेंस हुआ करेगा।
अच्छा ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे हुआ ज्यादा कुछ नहीं, पर एक मैसेज जाने लगा कि अब एक सिविल सरकार सिविल गवर्नमेंट नॉट मिलिट्री गवर्नमेंट रूल करने वाली है। ठीक है ओके। अब ये जो आपको तीन यहाँ पे जो चेहरे दिख रहे हैं, तो आप इनमें से फील्ड मार्शल करियप्पा को तो जानते ही जानते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आजाद होते समय यही हमारे थे सब कुछ, जिन्होंने हमारी आर्मी को संभाला है, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल थिमैया। अब एक किस्सा है और ये ट्रू किस्सा है, सच्चाई का किस्सा है कि, और हिस्ट्री में भी लिखा हुआ कई जगह पे, इसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और किस्सा ये है कि एक बार नेहरू जी 1957 में एक बार जनरल थिमैया जी के ऑफिस जाते हैं। ठीक है, ऑफिस गए थे तो वहां पे एक स्टील की छोटी सी दराज रखी हुई थी, ड्रॉर जिसे कहते हैं, स्टील कैबिनेट। तो नेहरू जी ने पूछा था थिमैया जी से कि सर इसमें क्या है, तो इन्होंने कहा जो पहली ड्रॉर है उसमें तो देश के डिफेंस के प्लान रखे हुए हैं, और जो दूसरी नीचे की ड्रॉर है उसमें जो टॉप जनरल हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं आर्मी के, उनकी कॉन्फिडेंशियल फाइलें रखी हुई हैं, सीक्रेट रखे हुए हैं। तो नेहरू जी ने पूछा कि जो तीसरी कैबिनेट है उसमें क्या रखा हुआ है, जो तीसरी ड्रॉर है। तो थिमैया जी ने बोला कि इसमें मेरे प्लान है आपके अगेंस्ट, अगर कभी आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुझे तख्तापलट करना पड़ा तो मैं कैसे करूंगा, इसमें रखे हैं वो प्लान। तो नेहरू जी हंसते भी हैं उस समय और कहते हैं कि नहीं नहीं चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पर कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। खैर ये एक इशू हुआ। उसके अलावा नेहरू जी का और करियप्पा जी का हमें एक थोड़ा बहुत तो पता है कि इनके हिस्टोरिकली इनके कभी कभी सरकार से करियप्पा जी के संबंध जो थे कभी कभी खटास आ जाती थी। तो ऐसा होता था बहुत बार, करियप्पा जी कहते थे कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं मानता, फौजी को फौजी रहने दो, और ये काम नहीं होगा वो काम नहीं होगा, काफी कुछ हुआ है, हिस्टोरिकली भी हुआ है, फिर आगे आर्मी ने खुद ही को रिस्ट्रेन भी किया है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर रहे हैं, क्या क्या चीजें रही हैं। सबसे पहली बात तो आर्मी में, हमारे आर्मी की यहां बात हो रही है, नॉट नेवी, नॉट एयरफोर्स, नॉट पैरामिलिट्री, नॉट आर्म्ड पुलिस फोर्स, नॉट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ओनली स्टैंडिंग आर्मी जो हमारी है 10 लाख की। तो उनकी बात हम कर रहे हैं कि आर्मी की जो हायर पोजिशन होती हैं, चाहे LGs हों या मेजर जनरल हों या जनरल हों, जो भी हों, तो इनमें जो हायर पोजिशन होती हैं वो आर्मी में बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं आफ्टर वेटिंग होती है, आफ्टर थॉरो वेटिंग के अच्छे से तहकीकात करी जाती है कि इस ऑफिसर को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम इसको पहले एक बार जांच लें, परख लें, इनका करियर देख लें कैसा है, क्या क्या ये करते आए हैं, क्या क्या इनका करियर में, क्या क्या इनका ग्राफ रहा है, जो भी है। जो एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी का जो फैक्टर है कि आर्मी ने कभी हमारे यहाँ कोई तख्ता पलट नहीं किया, वो एक चीज़ है कि हमारे यहाँ कोई सेंट्रल कमांड नहीं है। ठीक है, भले ही CDS पोस्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, श्योर, पर आर्मी के आप कमांड्स देखो, नॉर्थ कमांड, साउथ कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ट्रेनिंग कमांड शिमला में, तो हमारे यहाँ कभी कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं रही आर्मी की ऊपर से नीचे तक, जैसे आप पाकिस्तान में देखते हो, जैसे बांग्लादेश में देखते हो, जैसे आपने म्यांमार में देखा, जैसे चाइना में देखा। तो साथ ही नेवी और एयरफोर्स इन, तो ये दोनों एक बहुत ही सेपरेट एंटिटी रही है आर्मी से हमेशा। इसके अलावा इनका जो थिएटराइजेशन हुआ है, थिएटराइजेशन समझते हो क्या होता है, कि कैसे लोग परेड में भाग लेते हैं, कैसे ये लोग एक साथ ड्रिल एक्सरसाइज करते हैं, इंटीग्रेशन इनका बहुत लेट हुआ है, धीमे धीमे हुआ है, समय लेके हुआ है, क्योंकि अपने आप से ही एक सेपरेट एंटिटी रहे हैं, अपने अपने एरिया में काम करते रहे, अपने अपने एरिया। अब नेवी है, नेवी दूर रहती है, नेवी का हेडक्वार्टर भले ही दिल्ली में है, ठीक है, पर नेवी की एक्चुअल जो फोर्स है, यानी कि जो युद्ध पोत है, वो तो दूर है। ऐसे एयरफोर्स है, एयरफोर्स के अपने अपने बेसिस बने हर जगह, दूर दूर जगह। इंटर ब्रांच इनमें आपस में आर्मी में कंपटीशन होता रहता है, किस चीज के लिए, ऑफ कोर्स किस चीज के लिए, सबको पता है, फंड्स के लिए, पैसे के लिए, कि आपस में ही आर्मी के एक दूसरे से कंपटीशन होता रहता है कि साहब हमें ऊपर वेस्टर्न कमांड में पैसा चाहिए इस बार, या हमें इस बार जो टिबेटन बॉर्डर की तरफ पैसा चाहिए, या ईस्टर्न कमांड पे, जो भी है, ठीक है, ऐसे होता रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक जब भी मामले जब हुए होते हैं, तो हमारे यहाँ आर्मी को बोला जाता है नो थैंक्स, आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास ये डील करने के लिए अपने आप से ही CAPF है, ठीक है, असम राइफल्स है। अब ये क्या है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, ये काउंटर बैलेंसिंग फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है। तो अब CAPF हो, असम राइफल्स हो, इनको हम बुलाते हैं जब कोई आंतरिक गतिविधि होती है, जब कोई आंतरिक मामला होता है, जब कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं, एंड आर्मी को बोला जाता है इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए आपकी जरूरत नहीं है, यू आर देयर फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स, जो भी बाहर की दिक्कतें आ रही हैं, जो भी विदेशी हमले हो रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल जो भी कोई दिक्कत है, दैट यू डील, वो आप करो। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो पूरा टेक ओवर रखती है, इसका पूरा कमांड रखती है आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, ये आप
लेमैन भाषा में कहूं, ले पर्सन भाषा में कहूं, तो जो बाबूज लोग होते हैं, जो ऑफिसर लोग होते हैं, ये पावर में हैं। अब जो व्यक्ति पावर में होता है वो पावर किसी भी हाल में छोड़ता नहीं है और पावर शेयर भी नहीं करना चाहता है। ठीक है, ये एक फिलॉसफी भी है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका भी है, पॉलिसी भी है कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही टाइट लीश पे रखते हैं आर्मी को और आर्मी को फ्री हैंड देते हैं कि आप अपने इंटरनल मैटर खुद देख लो। ठीक है, पर देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में, देश के आंतरिक और जो हमारे जो जो और मसले हैं वो सरकार निपटा लेगी, वो सरकार देख लेगी। खुद आर्मी का अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो भी नहीं है, है ही नहीं। आप देखो कभी भी कोई भी सशस्त्र बल का कोई भी जवान, कोई भी ऑफिसर कभी भी कोई पब्लिक स्टेटमेंट ना देता है, ना किसी सरकार के लिए कभी टिप्पणी करता है, ना कभी कुछ आपने सुना नहीं होगा, कोई ऑफिसर कभी नहीं करता है। और इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट भी हो जाता है तो भी आप देखोगे कि बहुत ही रेयर ये ऐसे ओकेजन रहे हैं जब कोई आर्मी के ऑफिसर लोगों ने चुनाव लड़ा हो या राज्यसभा की सीटें ली हो या कहीं पे आके कोई पॉलिटिकल पोस्ट में किसी पार्टी में जाके जुड़े हो, तो रेयर चांस है। ठीक है, इसको विल्किंसन जी कहते हैं कूप प्रूफिंग, कि हमने तख्ता पलट होने से एक प्रूफ कर दिया सिस्टम को। कैसे ये, अब ये इन्होंने कहा, कि इन्होंने ये कहा है विल्किंसन जी ने। तो विल्किंसन जी एक अच्छे एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, तो इन्होंने बताया है। पहली बात तो इंडियन आर्मी ने सबसे बढ़िया जो एक काम सीखा है, करा है, वो ब्रिटेन से सीखा है ऑफ कोर्स, वो क्या है, हमारे यहाँ डाइवर्सिफाई कर दिया गया है एथनिक कॉम्पोजिशन। अभी जो हमने पीछे देखा था ये वाला, तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मद्रास रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, मैकेनाइज इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, ऐसे करके हमने एथनिसिटी में रिलीजियस तौर पे या एथनिक तौर पे हमने क्या किया है, रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे हमने आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट बनाई है। इससे एक चीज़ जो भले ही अब चलो डाइवर्सिटी है इसलिए कभी हमने तो हमें फेस करनी पड़ी, पर इसका एक प्रो भी है कॉन भी है, दोनों चीज़ें। ठीक है, हमारा जो आर्मी का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो रगेड है, मतलब बहुत ज़्यादा देखो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो लोग आर्मी में जब तक नहीं है हायर पोस्ट पे उनको तो पता होगा, पर जनरल आप देखोगे तो आप देखोगे साउथ ब्लॉक जो यहाँ पे सचिवालय के पास, जो साउथ ब्लॉक पूरा देखता है हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री, जहाँ अब जो बैठती है सीडीएस ऑफिस भी सब कुछ है, भले ही ऊपर से देखने पे लगता है कि हाँ ठीक है एकदम सेंट्रलाइज दिख रहा होगा, पर अंदर से कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रीमलाइंड या ऐसा कुछ नहीं है, प्रोसेस काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, काफ़ी सारे जंपिंग ग्राउंड्स होते हैं। अब जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आप देखते हो, ये क्या होता है सर, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है जैसे सबसे ऊपर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद एक्स राष्ट्रपति जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट तय हो रखा है। अब इसमें सब जो इसमें देश जो इसमें पूरे देश के जो टॉप क्लास जो ये जो हमारी पॉलिटिकल है चाहे वो मिलिट्री है, तो इसमें दोनों लोग हैं, सिविल भी हैं मिलिट्री भी हैं। ठीक है, अब हमने इसमें कभी भी यहाँ पे ये नहीं होने दिया कि इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हम आर्मी के जनरल को या नेवी के जो फील्ड मार्शल या जो नेवी के जो भी एडमिरल हो सबको हम लोग ऊपर रख दें, नहीं, वो सिविल जो पोस्ट होती है उनसे नीचे ही रहेंगे। ठीक है, एक चीज हो गई। फिर हमने देखा प्रोमोशंस, प्रोमोशन जब भी आर्मी के ऑफिसर्स के ऊपर आते जाते हैं, जब ये जब ऑफिसर्स, तो इनको बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली ध्यान दिया जाता है कि किन ऑफिसर्स को हम ऊपर ला रहे हैं, किन को ऊपर लाएंगे, क्योंकि आर्मी इनकी बात सुनेगी। जो भी ऊपर टॉप पे ऑफिसर होगा, चाहे वो एडीजी हो, चाहे वो एलजी साहब हो, लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यहाँ पे रोल नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी का जो एक ओहदा होता है वो, ठीक है, जनरल जो होता है वो, फिर इनके अलावा कई सारे और जो प्रमोशंस होते हैं कैप्टन से लेके लेफ्टिनेंट अपने ऊपर तक लाके या मेजर जनरल जो भी हो, ठीक है, तो उनके प्रमोशंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, फोकस रखा जाता है कि पर्सन कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, करियर कैसा है, क्या इनकी ओरिएंटेशन है, क्या इंक्लिनेशन है। पब्लिक स्टेटमेंट्स आप देखोगे कभी भी आर्मी की तरफ से या मिलिट्री की तरफ से या नेवी की तरफ से ये कभी कहीं भी नहीं आती, नेवी हो एयरफोर्स हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी एनकरेज नहीं है, और हमेशा ही सरकार ऐसे बिल्कुल डिसअलाउ करती आई है कि हम अलाउ नहीं करते हैं कि आर्मी कोई भी हमारा सशस्त्र बल ऐसे कोई भी लूज कमेंट दे दे, पब्लिक स्टेटमेंट दे दे। इसके अलावा काउंटर बैलेंसिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी खुद की होती हैं, CAPF है, CISF है, BSF है, हमारी ITBP है, सब कुछ है, तो ये सारी की सारी काउंटर बैलेंस करती हैं आर्मी को। यही चीज हमने कोई अपने आप से नहीं बनाई है, ये हमने यूरोप में जब हमने ब्रिटेन का देखा, जब हमने जर्मनी का देखा, तो आपको आप में से अगर किसी ने एक मूवी देखी हो वेलकायरी मूवी में भी यही चीज थी। वेलकायरी मूवी में एक दिखाया गया कि एक समय पे हिटलर की आर्मी को टेक ओवर कर लिया गया था
ऑलमोस्ट कैसे किया गया था, ये बोला गया था कि हिटलर के कि जो हिटलर जो है उसकी डेथ हो गई है। अब हिटलर की डेथ होते ही एकदम जर्मनी में जो है एकदम से हड़कंप ना मच जाए, तो इसके लिए एक रिजर्व फोर्स होती है वो एक्टिव हो जाएगी और वो एसएस को और बाकी ये जो आर्मी है उसको उसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। तो एक रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है जो काउंटर बैलेंस करती है आर्मी के ही नैरेटिव को। अच्छा, पोस्ट रिटायरमेंट्स आप करियप्पा जी को देखिए। करियप्पा जी जब आप ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है काफी कुछ हमारे यहाँ हुए हैं, तो अब जब करियप्पा जी जब रिटायर हुए तो इनको सबसे पहले भेजा गया एज एम्बेसडर, एम्बेसडर कि आप क्योंकि हमारे देश के फील्ड मार्शल हैं, आप हमारे देश में कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे हैं, आर्मी की सबसे बड़ी पोजीशन होती है, तो आप जाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दे दिया, दूर दे दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके भी इन्होंने खैर दो तीन स्टेटमेंट दिए जो कि ऐसे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट थे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ नहीं थे, तो इनको बोला गया फिर आप वापस आ जाइए, ये भी मत करिए। तो कई बार आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हम के हमारे यहाँ पे हम पोस्ट रिटायरमेंट्स ऑफिसर्स को जो बहुत हाई रैंकिंग पे होते हैं हम उनको बाहर भेजते हैं, डेप्यूटेशन में भेजते हैं, यूएन में भेजते हैं या वर्ल्ड बैंक भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं कि आप जाके वहाँ रहिए, वहाँ पे जाके आप अपने लीडरशिप संभालिए, आर्मी को अब नए खून की जरूरत है तो हम उनको ऊपर प्रमोट कर रहे हैं जो लोग अब नए लोग हैं। नाउ नेक्स्ट, कीपिंग आर्मी हैप्पी। एक डेमोक्रेसी सस्टेन तब कर सकती है जब उसकी सबसे बड़ी जो डिफेंस उनकी जो स्ट्रांग जो होल्ड है वो हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, वो खुश हो। अभी कैसे हो सकता है ये? ऐसे तो नहीं है कि आर्मी को सारा बजट दे दो सब कुछ तभी खुश हो जाएगा, नहीं। दो तरीके हैं, एक तो सरकार की जो पॉलिसीज हो वो ऐसी हो कि आर्मी कहे कि हाँ ठीक है सरकार हमारे लिए सोचती है, ठीक। जैसे क्या क्या, जैसे आर्मी कैंटीन हो, जैसे आर्मी के लिए सामान होता है, आर्मी के लिए अलग से एक पूरा क्षेत्र होता है जो आप जब पढ़ते हो, जब मैंने आपको पंचायती राज पढ़ाया था, म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ाया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है कि एक सेक्लूडेड एरिया होता है जहां पे बिल्कुल भी भाई आर्मी के अलावा कोई और लोग नहीं जाते हैं उसमें, तो वो एक ऐसी जगह है जो आर्मी के लिए रिजर्वड है भैया, आराम से लोग वहां रहते हैं, शांति की जगह होती है, बहुत अच्छी जगह होती है, हरियाली खूब होती है। इसके अलावा एक जो चीज़ और होती है वो है कि इन्होंने अभी भी हमारे के आर्मी ने अभी भी एक चीज़ देखी है कि हमारा कल्चर अभी बरकरार है, रिटेनिंग कल्चर एंड डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन। जब आप बात करते हो कि हमें ब्रिटिश राज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें 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 ब्रिटिश राज हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन ब्रिटिश राज से हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो चीज़ें पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें से क्या क्या है, इसमें से है फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें से है हमारा आर्मी का डिसिप्लिन, हमारी आर्मी का रूल, हमारी आर्मी का रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ। तो आर्मी ने भी इस चीज़ को हमेशा से ही इज्जत दी है। आर्मी ने कहा कि यस वी ट्रस्ट द प्रोसेस, वी ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ ऑफ ये जो भी हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर होती है। तो ट्रांसफर ऑफ पावर जब भी हुई है हमारे यहाँ शांतिप्रिय हुई है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ ट्रांसफर पावर होते समय आपने सुना हो दंगा फसाद हो गया। ये पावर ट्रांसफर क्या होता है, जब सरकार एक जाती है और नई सरकार आती है तो उसको कहते हैं पावर का ट्रांसफर हुआ है। अब ऐसे में कई जगह पे आप खून खराबा देख सकते हो बाहर के देशों में, जहां पे ट्रांसफर पावर हुआ हो, जहां फ्रांस, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह आप अफगानिस्तान, हर जगह आप देख लो जहां पे ट्रांसफर पावर हुआ है, जहां पे आर्मी ने थोड़ा बहुत भी अगर इंटरवीन किया होगा तब किया होगा जब खून खराबा हुआ होगा ट्रांसफर पावर में, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं है। ब्रिटिश राज के अंदर इस पिक्चर को आप अगर देखो तो ब्रिटिश राज के अंदर एक चीज जो हर कोई एक्सेप्ट करता है वो ये है कि कॉमन मैन के साथ हमेशा ही बदसलूकी हुई है। अच्छा ठीक है, कॉमन मैन से क्या निकल के आ रहा है, आर्मी, ठीक है। अब आर्मी भी क्या है, उस समय का जो सिपाही था, सिपाही क्या था, एक किसान था जिसने वर्दी पहनी हुई है, बस। उसका भी अपने खेत गांव है, उसका भी अपना काम धाम है, लेकिन चलो वो कर रहा है नौकरी, क्यों कर रहा है, क्योंकि बाईस आने मिलते हैं, पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत से। तो अब क्योंकि हमारे कॉमन मैन प्रताड़ित था, उस कॉमन मैन ने ही एक पूरा मूवमेंट शुरू किया हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे फ्रीडम फाइटर्स। तो ये मूवमेंट की इज्जत रखी है हमेशा आर्मी ने कि यस ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो लड़ाई पूरी है, जो गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, पटेल जी ने, नेहरू जी ने लड़ी है, ये लड़ाई जो है एक मास मूवमेंट है, ये लड़ाई एक कॉमन मैन के लिए है। तो इस कॉमन मैन को अब एक चीज दे दो, वो क्या है, आजादी, ठीक है। आजादी के बाद प्रोसेस जो भी होगी, पॉलिटिकल प्रोसेस होगी, आर्मी उसको, आर्मी खुद ही पे रिस्ट्रेंट रखती है। आर्मी कहती है हम आईएसआई नहीं है, हम पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं है, आप करिए, हम आपके ही साथ है, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक किस्सा जो आर्मी ने देखा, क्या देखा आपने, अगर इसकी मलेशिया सिंगापुर का जब फॉल हुआ था, ये मलेशिया सिंगापुर है, ये रहा सिंगापुर, तो जब ये फॉल हुआ था इस समय पे
ब्रिटेन के जो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अब इस आर्मी के कई सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो डेजर्ट कर गए थे, डेजर्टेड। डेजर्ट मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब अपनी शपथ छोड़ के इन्होंने आर्मी की वर्दी त्याग दी। और ये जाके कहां चले गए? ये जाके चले गए कैप्टन मोहन सिंह की इंडियन नेशनल आर्मी में, इंडियन नेशनल आर्मी जो बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी। तो अब आईएनए में चले गए। क्या हुआ? कौन लोग गए थे? इंडिया के ही अफसर लोग गए थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, जो जो इन्होंने अपनी अब छोड़ दी नौकरी वो वाली ब्रिटेन की, और बोला कि हम नहीं आपके साथ और हम जा रहे हैं आईएनए। ठीक है, आईएनए में चले गए। अब आईएनए में भी कई लोग ऐसे थे जो जो गए तो थे, और गए क्यों थे? कि उन्हें ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़नी थी। अब ठीक है, वेरी गुड। सिखा कौन रहा था? जापानीज, इंपीरियल जापानीज आर्मी, इंपीरियल जापानीज आर्मी। अब जापान की आर्मी ट्रेन कर रही है आईएनए को, ठीक है। लेकिन हमारी ब्रिटेन की इंडियन आर्मी में भी कुछ अफसर और भी थे, जैसे कैप्टन हरबख्श सिंह। ये 1965 वॉर के बहुत बड़े हीरो हैं। 65 वॉर जब पाकिस्तान से हुई थी तो इन्होंने जितवाई थी, बहुत इनका नाम है, बहुत सम्मान है इनका। तो ऐसे कुछ और भी हमारे ऑफिसर रहे थे जो आईएनए में नहीं गए थे, ठीक है। जब ये लोग आईएनए में नहीं गए और ये लोग रहे कि भैया हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, हमने जो ओथ ली, हमने शपथ ली है, हम डेजर्ट नहीं करेंगे अपनी आर्मी को, हम गद्दार नहीं कहलाएंगे, ये अपने कहलवाएंगे खुद को। तो अब कैप्टन हरबख्श सिंह जैसे कई सारे अफसर थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को नहीं छोड़ा, आईएनए में नहीं गए। अब बाद में क्या हुआ? जब इनको वापस पकड़ा गया, आईएनए के कई सारे अफसरों को जब बाद में अरेस्ट हुए, सब कुछ हुए, हारे, तो ब्रिटेन इस चीज के लिए अड़ा हुआ था कि हम क्या करेंगे, हम आईएनए के सारे अफसरों को फांसी पे लटकाएंगे, सबके सामने मिसाल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर ऐसे में इन आईएनए के सोल्जर्स को, इन आईएनए के ऑफिसर्स को बचाने का जिम्मा मिला था गांधी जी, नेहरू जी, ऐसे लोगों को, ऐसे लॉयर्स को जिन्होंने आईएनए के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के लिए वकालत करी थी, लड़ाई लड़ी थी, लीगल लड़ाई लड़ी थी। तो कोर्ट में केस चले, बहुत सारे सब फैसले हुए, ये तय होना था क्या आईएनए के ऑफिसर कैप्टन मोहन सिंह जैसे लोग क्या गिल्टी है कि नहीं है। तो नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, पटेल जी ने, सब लोगों ने, गांधी जी ने, सब ने लड़ाई लड़ी कि नहीं साहब, आईएनए जो है एक बहुत ही पॉपुलर इस समय फोर्स है, प्लीज आप इनको देखो, आप इनको सजा मत दीजिए, सजा मिली तो बहुत बुरा अंजाम हो सकता है ब्रिटेन के साथ, ध्यान रखना। तो एक इतना ज्यादा पॉपुलर फोर्स जब इतनी जब हो चुकी थी, आईएनए जैसी फोर्स जिसके लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो फिर इनको बाद में छोड़ना पड़ा। अब जब ये छूट गए आईएनए के ऑफिसर ब्रिटेन के हाथों से, फांसी नहीं हुई, केस वेस खत्म हो गए, रफा दफा हो गए, तब एक चीज हुई, और एक चीज ये हुई कि जो आपने इधर फील्ड मार्शल करियप्पा जी का नाम सुना था, इन्होंने कहा था कि मुझे आईएनए के जो ऑफिसर्स हैं, ये जो छोड़ के ये जिन्होंने वर्दी त्याग दी थी और चले गए थे उस तरफ, तो आईएनए के ऑफिसर्स अब इंडियन आर्मी में नहीं आएंगे, इंडियन आर्मी में आईएनए का कोई अफसर नहीं आएगा। अब ये करियप्पा जी ने तभी कह दिया था, इन्होंने कहा था कि आईएनए में जो लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हैं, ये बहुत ज्यादा एकदम से जो ओवर्ट हैं, और ये कभी भी कोई और गलती कर सकते हैं, इन्होंने एक बार अपनी वर्दी त्यागी है, हो सकता है दोबारा त्याग दें। तो करियप्पा जी का एक ही चीज कहनी थी कि मेरी आर्मी का रोल होगा कि आर्मी में सोल्जर फर्स्ट, आर्मी में डिसिप्लिन फर्स्ट। तो ये चीज इनकी बनाई हुई चीज थी, चलती आई, और ब्रिटेन ने भी जब छोड़ा था आईएनए के सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, जो आप यहां देख रहे हो, तो ब्रिटेन ने भी कहा था कि हम ठीक है, अगर इतनी पॉपुलर आपकी आईएनए हो गई है देश भर में, हम छोड़ देंगे, पर आप कोई और वर्दी कभी नहीं पहनोगे, किसी मिलिट्री में नहीं जाओगे, ठीक है। करियप्पा जी ने बोल दिया कि ठीक है, आईएनए के ऑफिसर्स को हम नहीं लेंगे अपने इंडियन आर्मी में, नहीं लेंगे इनको, हम अपने से दूर रखेंगे। और यही एक वजह रही है कि आर्मी ने हमेशा सोल्जरिंग पर ध्यान दिया है, डिसिप्लिन पर ध्यान दिया है, पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल प्रोसेस, आर्मी हमेशा इससे दूर रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने आसपास के देश हैं, जितने आसपास के एरियाज हैं, जो इस समय मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ से भुगत रहे हैं, जी रहे हैं, वो इंडिया में कभी आया नहीं। संविधान आंसर है ही है, बिल्कुल है, हर कोई आजकल ये कह रहा है कि साहब हमारा संविधान बहुत अच्छा है, पर इसके पीछे की हिस्ट्री भी तो इंपॉर्टेंट है। संविधान में मार्शल लॉ कभी आए नहीं, संविधान में बहुत अगर कोई इंपॉर्टेंट, अगर कोई एकदम अगर त्रासदी वाला आर्टिकल है तो वो इमरजेंसी के आर्टिकल्स, ठीक है, इमरजेंसी कुछ समय के लिए होती है, टेम्पररी होती है, इमरजेंसी भी तब तक ही चलेगी जब तक कि देश की सिविल जो सीट है, सीट ऑफ पावर है, जो हमारा पार्लियामेंट मंजूर कर रहा है, तो ही इमरजेंसी लगेगी, पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे आपको बतानी थी GS2 के लिए, SA के लिए और इंटरव्यू के लिए, कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। अब
बांग्लादेश की न्यूज पे तो जो होगा सो होगा, उसको हम देखेंगे बाद में। नाउ अभी आपके लिए इतना ही है इसमें। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ। बड़ी शानदार वीडियो थी, मतलब पता चला कि किस तरह करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे इंडिया के, किस तरह उन्होंने एक समय सेट कर दिया। सेट मतलब ये कि शुरुआत जिस तरह की होती है ना, वैसे मैंने देखा कि एंड भी वैसे ही थ्रिबल होता है। हमारे और इंडिया में सबसे बड़ा फर्क मैं कहता हूँ कि ये अगर आज इंडियन आर्मी के लोग अगर वेल डिसिप्लिन है, वो करियप्पा फील्ड मार्शल जो करियप्पा ही के नाम ले रहे थे, उनका इसमें बहुत रोल है। उन्होंने जो आईएमए में गए थे वो बता रहा है भाई को उन्होंने उनको वापस नहीं आने दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि तुम मतलब के यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकते। मुझे तो ये समझ आई है कि मेरे नज़दीक वो जो फील्ड मार्शल करियप्पा ये सब नाम ले रहे थे, उनके ये इशारा किया धरा, उनकी वजह से ये इंडिया की आर्मी इतनी आज मतलब के प्रोफेशनल है, अपने वर्दी के साथ अपनी सिंसियर है, अपने ओहदे के साथ, अपने जो जिसे हम बोलते हैं ओथ, हमारे ओथ के साथ जो ओथ लिया होता है उनके साथ इतनी सिंसियर है कि उन्होंने एक गोल सेट कर दिया था, उन्होंने एक बुनियाद ऐसी डाल दी थी कि अब इसकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपनी यूनिफॉर्म के खिलाफ, अपने ओथ के खिलाफ मतलब त्याग दे अपनी यूनिफॉर्म। अच्छा एक बात मुझे बता भाई साहब, ये जितनी जो प्रोफेशनल को बता रहे थे इनके अड्डे वगैरह जो सेक्टर बने हुए हैं, हाँ रेजिमेंट बने हुए, रेजिमेंट्स बने हुए हैं, अलग अलग सब कुछ है, तो इससे एक ही चीज़ समझ में आती है मेरे भाई कि वो आर्मी को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, जिसके अलावा कुछ नहीं। जो डाइवर्सिटी की भाई ने बात की, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया इज द मोस्ट यूज कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या डाइवर्सिटी है? डाइवर्सिटी ये है दुनिया के तमाम सबसे ज़्यादा मज़हब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ज़्यादा रिलीजन का देश इंडिया, दुनिया में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जुबानें बोलने वाला देश इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना जो है मज़हब, जुबानें, खेल, कल्चर, देखें राजस्थान का कल्चर और है, पंजाब का कल्चर और है, यूपी का कल्चर और है, मतलब इतनी डाइवर्सिटी, इतनी रिच डाइवर्सिटी है कि कोई भी वाकई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। उनकी रेजिमेंट की तकसीम है, तकसीम मैं इसको कहूँगा या ट्रांसफर ऑफ पावर कहूँगा, ट्रांसफर पावर सिर्फ मरकज एक नहीं है। यार मेरी बात सुनो, इनका जितना भी निज़ाम है ना सारा ब्रिटेन की नकल है, आर्मी का खास करके, हमारा भी ब्रिटेन का नकल है। आप समझे नहीं, हमारा ब्रिटेन का नकल नहीं है, हमारी आर्मी का तुफकार है, समझ गया मेरी बात। इनका जो निज़ाम है सारे का सारा वो जैसा ब्रिटेन आर्मी का था मेरे भाई तकरीबन वैसा ही है, तो थोड़ी बहुत तब्दीली है आर्मी में। यार बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मुझे पता चला क्यों आज तक इंडियन मार्शल आ नहीं लगा, क्यों आज के आर्मी के मेरे भाई सेंटर रखा है, सेंटर में कोई औकात ही नहीं, पावर नहीं है। औकात नहीं तो कहते हैं इसको, ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं औकात और चीज़ें से भाई। औकात ये अगर औकात ना होती तो आप जैसे पाकिस्तान की आर्मी को 93,000 को सरेंडर ना करवाते, ठीक है, औकात ना होती तो कारगिल में पाकिस्तान आर्मी को पीछे ना धकेलते। हाँ औकात ना होती तो 1965 में लाहौर में अगर चाय ना पीते, ऐसे ही है ना यार। वो क्या चुंडा के मकाम पर आगे आज भी आगे क्या नाम होता है, टैंक पड़े हैं, कहानियाँ सुनते सुनते बच्चे बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए। लेकिन इतना ज़रूर है भाई, मुझे इस बात की खुशी है, मैं बल्कि इस चीज़ पर अफसोस करता हूँ पाकिस्तानी होने पर और पाकिस्तान मिलिट्री के अंडर होने पर, और खुशी इंडियन आर्मी पर इस बात की है कि से पहले आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्दी का इखलास के साथ, वफादारी के साथ, अनेस्टली अपनी जस्ट ड्यूटी की है, अपने आप को नौकर समझा, चौधरी नहीं समझा इंडिया का, जिनके चौधरियाँ उनके नज़दीक इंडिया के चौधरी इंडिया की आवाम है, ठीक हो गया, इंडिया के मालिक और मुख्तार इंडिया के आवाम है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। यार ये मुझे आपकी बातों पर यार क्यों हंसी क्यों आ रही है? हंसी इसलिए आ रही है कि अगर इंडिया की आवाम जो है वो इतनी पॉपुलर या इतनी पावर में है, तो अभी रिसेंटली जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है इसके मुकाबले में क्या आवाम का नहीं है यार कि वहाँ के लोगों को बना ली जाए या उनकी जो खेमे हैं वो लगाए जाए सराहद के अंदर, इसका जवाब भाई ने मुझे कमेंट्स में दिया था, उन्होंने कहा कि जो
उधर के हिंदू है ना, उनको ऑन अराइवल मिलना है, मतलब कि ना वीज़ा मिलना है। अब उन्होंने कहा कि हमारा मसला ये है कि वो जो BSF के जवानों ने रोका हुआ था ना उधर के बांग्लादेशियों को, उन्होंने कहा कि उसके अंदर उन्होंने पहले भी हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब किसी तरह आए हैं और वो तकरीब कारी करते हैं। अब उनका कहने का मकसद ये है कि उस नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, वो सब की बात कर रहा हूँ, मैंने एक मैंने बड़ी बात मुकम्मल कर, तो उसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसे अनासर हो जो बिल्कुल मजबूर ना हो, उनकी एजेंसियों के हो सकते हैं, उनके अपने बनाए हुए करिंदे हो सकते हैं जो आए इंडिया में, क्योंकि बांग्लादेश के भी जो ना इतना ज़्यादा अच्छे तो इंडिया के साथ नहीं है, तो आए इंडिया में और इंडिया में आकर तकरीब कारी करें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएं जिससे इंडिया की साख को, इंडिया की सालमियत को, इंडिया की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचे। इसलिए उनका हम शांति करके बुलाएंगे, उन्होंने कहा हम बुलाएंगे ज़रूर, हम उनका बैकग्राउंड देखेंगे, हम उनके ID कार्ड को सारे चेक करेंगे, उनके लिए कैंप भी है, उनके लिए बल्कि ऑन अराइवल वीज़ा भी है हिंदुओं के लिए स्पेशली। जो CAA था ना वो यही था ना कि बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू ही अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अप्लाई करें और इंडिया में आ जाए और उनको वीज़ा इंडिया में पहुँचने पर। अच्छा, ये जो पाकिस्तान से आप कहते हैं हिंदू गए थे इंडिया में, इनकी भी छानबीन की गई थी? हाँ। अच्छा, उनको अभी कैंप में रखा हुआ है, उनको अभी जरा निगरानी है। ये फिर पाकिस्तान मुल्क तो पूरा पागल का पागल लगता है। क्यों इन्होंने फिर कोई शांति नहीं की होगी, जितने भी आए इन्होंने आने दिए और उनको कैंप में? तो ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान में। ये क्यों दहशत गर्दी बढ़ी है? क्योंकि जब असर भाई दहशत गर्दी का मंबा तब पाकिस्तान बना, तुम्हें समझ नहीं मेरी बात, जब लोग इधर फ्लश हुए, इधर पंप हुए, अफगानी वो उनको कंट्रोल नहीं किया गया, वो अंदर चले गए पाकिस्तान के जोड़ों में जाके बैठे, फिर वो उन्होंने दंगे फसाद शुरू कर दिए, बम ब्लास्ट शुरू कर दिए, इस तरह। मुझे एक बात बताओ, जितने भी ब्लास्ट हुए, जितने भी ब्लास्ट हुए उनमें क्या सारे पठान शामिल थे? मैक्सिमम 90% आप कह सकते। अच्छा, आपको पता है आपके मुल्क में पाकिस्तान में अपने मुल्क के पठान कितने फीसद है पाकिस्तान में? है मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन अफगान पठान यार हम कहीं से कहीं निकल के बाद, ये हमारे मेन मुद्दा यह था। इंडियन आर्मी पर मुझे गर्व है, चाहे वो इंडिया की है, आपको पूरा लग सकता, खुशी होती है कि यार आज तक उन्होंने कू नहीं किया, आज तक कभी उन्होंने मुझे ज़िंदगी में ना सिर्फ एक आर्मी पर फख्र था, आज भी यार मरते दम तक रहेगा, उस आर्मी पर फख्र था मेरे भाई जो ड्यूटी लगाने पर, पैसे देने पर उन्होंने एहतियात किया था। उन्होंने कहा था कि हम ये काम कर रहे हैं अपना ईमान और अपने दीन समझकर, हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इस ड्यूटी के पिछले दिनों ना पैसे दे इंडिया के एक रिटायर आर्मी चीफ थे, जब मुझे नाम भूल गया, उसकी मेजर साहब ने मुझे उनके घर की वीडियो बनाई है। यकीन करें हमारे घर जैसा बिल्कुल सादा सा घर है, आर्मी चीफ है। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ा था, पाकिस्तान के 17-16 आर्मी चीफ हुए, उन 16-17 आर्मी चीफ में से सिर्फ एक आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में मौजूद है, बाकी सारे के सारे इधर में। तो यार ये हम कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो यहाँ पर क्यों रहते हैं। मसला ये और यार मुहब्बत वतन नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, जो आर्मी पाकिस्तान को छोड़कर आम इंसान चला जाता है बाहर, उधर से वो मतलब कि पैसे कमाता है, डॉलर भेजता है या यूरो जो कुछ भी भेजता है, तो वो कर तो अपने लोगों के लिए रहा होता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ क्या फिर वो पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं होता? नहीं, मैं नहीं समझता। इंडिया के आर्मी के लोग हमारे आर्मी लोगों से 100,000 और लाख गुना अपने मुल्क से मुखलस भी हैं और अपने ओथ के साथ ईमानदारी के साथ रहते हैं। और ये सेट करने वाला वो था क्या प्रियाका जी सब नाम फील्ड मार्शल था, मैं उसको दाद मैं दूंगा, आप जिसको मर्जी समझ लें। खैर मिलता है।